नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रुचा शर्मा। इस बार का दंगल 2020 बेहद ही रोचक है, वो इसलिए क्योंकि पहली दफा ऐसा होगा जब दो प्रवक्ता चुनावी मैदान में उतरेंगे। जी हां, जेडीयू से दो प्रवक्ताओं को टिकट मिला है। कुछ लोग टिकट की होड़ में है तो कुछ लोग जोड़ तोड़ में है, लेकिन जिसे टिकट मिल जाती है, जिसकी लॉटरी लग जाती है, उनके लिए ये किसी उपहार से कम नहीं है। ऐसे में जेडीयू ने अपने दो प्रवक्ताओं को चुनावी रण में उतारने के लिए फैसला कर लिया है। ये प्रवक्ता जो है वो काफ़ी प्रखर तरीके से अपनी बात को रखते हैं और नीतीश कुमार की सभी नीतियों को जनता तक रखने के लिए ये जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डुमराव से इस बार संभावित प्रत्याशी अंजुम आरा की। अंजुम आरा काफ़ी प्रमुखता से हर मुद्दे को उठाती हैं और मुझे लगता है कि बेबाक तरीके से वो नीतीश कुमार की तमाम नीतियों को सामने रखती हैं, और यहाँ तक कि अगर तेजस्वी यादव कोई भी अटैक करते हैं, नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हैं, तो अंजुम आरा बड़े ही बेबाकी से और एक सूझबूझ के साथ तेजस्वी यादव को जवाब देती हैं। ऐसे में जेडीयू को लगता है कि अगर अंजुम आरा को डुमराव से उतारा जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता उन पर भरोसा करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की नीतियों को जनता के सामने समक्ष लाने का काम अंजुम आरा ने बखूबी किया है। ऐसे में अब जेडीयू को अंजुम आरा पर भरोसा है और विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि डुमराव विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया गया है, वहाँ से वो चुनावी रण में उतरेंगी। लेकिन इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर भी है। अंजुम आरा को तो डुमराव से टिकट मिल गया, लेकिन वहां से ददन पहलवान का टिकट कट गया, यानी कि अंजुम आरा ने कठोर चुनौती दी है ददन पहलवान को। ददन पहलवान 2018 में उनका नाम काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि उन पर ये आरोप है कि अपनी ही पार्टी में, और खासकर बात करें अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, उन्होंने पत्थरबाजी करवाई थी। जब सीएम नीतीश कुमार सात निश्चय योजना की समीक्षा करने क्षेत्र में उतरे थे, वहां पर पत्थरबाजी की गई, और जब इस पूरी प्रक्रिया की जांच की गई, पूरे मामले की जांच हुई, तब ददन पहलवान का नाम सामने आया। तब से जेडीयू के निशाने पर ददन पहलवान थे, और अब नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि पार्टी में किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में ददन पहलवान का टिकट वहां से कट गया और अंजुम आरा को मौका मिल गया। जो दूसरे प्रवक्ता है वो है निखिल मंडल। निखिल मंडल को मधेपुरा विधानसभा सीट से इस बार टिकट मिल रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि निखिल मंडल भी बहुत प्रमुखता से अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, और जब भी विपक्ष कोई भी करारा हमला बोलता है तो नीरज कुमार तो सामने आते ही हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर निखिल मंडल भी सामने आकर पलटवार करते हैं, और जिस तरीके से पलटवार करते हैं वो काफ़ी सराहनीय है। जेडीयू मानती है कि निखिल मंडल सभी चीज़ों को समीक्षा करके एक समीक्षात्मक तौर पर तेजस्वी यादव या फिर विपक्षी पार्टियों को जवाब देते हैं। ऐसे में ये दो प्रवक्ता हैं, निखिल मंडल और अंजुम आरा, जिसे इस बार के चुनावी रण में आप सब देख सकते हैं, क्योंकि इन्हें जेडीयू की तरफ से टिकट मिला है। देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां जेडीयू की नीतियों को बताने के लिए तो ये जाने जाते हैं, विपक्ष पर पलटवार करने के लिए तो ये जाने जाते हैं, लेकिन जनता इन पर कितना भरोसा करती है और किस तरीके से चुनावी रण को ये दिलचस्प बनाएंगे और वहां से जीत हासिल करेंगे, इंटरेस्टिंग है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।